प्रयागराज के इंदलपुर बस्ती में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महेवा एग्रीकल्चर चौकी इंचार्ज सहित पुलिस की पूरी टीम रात 11 बजे बिना वारंट के चेकिंग के नाम पर दरवाजा पर लगा ताला हथौड़े से तोड़कर बिना महिला पुलिस के घर में घुसी। पुलिस नैनी थाना क्षेत्र स्थित इंदलपुर मिजान के घर पर आधी रात को एग्रीकल्चर चौकी इंचार्ज विवेक सिंह, दरोगा प्रभाकर शुक्ला, मयंक सिपाही, आकाश सिंह सिपाहियों के साथ पहुंचकर घर का गेट जबरन दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ते हुए नजर आए। एमजा कलेक्शन नाम की दुकान जबरन पुलिस खाली करवा रही है। सिविल सूट का मुकदमा भी और इसी प्रकरण में स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी न्यायालय की अवहेलना करती हुई नजर आई। इंदलपुर इलाके में महिलाओं और पुरुषों के बीच काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। पूरे मोहल्ले में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट। क्या मामला था पूरा? जी, मोहम्मद मिजान है, मैं उनकी वाइफ हूँ। उनकी दुकान में कुछ मसला चल रहा था और रात में 11:15 बजे के करीब कुछ पुलिस वाले घर आते हैं और वो ताला तोड़ते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है ताला क्यों तोड़ रहा है, तो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे और घर में उस वक्त सिर्फ 2 महिला थी घर में और मिजान लोग घर पर नहीं थे और वो लोग सब नशे में थे, घर का ताला तोड़ रहे थे, पड़ोसियों को भी परेशान कर रहे थे। तो क्या वो कहाँ के थे पुलिस वाले? महेवा चौकी के थे। महेवा चौकी के, क्या कह रहे थे? जी बस वो घर का ताला तोड़ रहे थे और सवाल पूछने भी गालियाँ दे रहे थे। तो क्या यहाँ पे किस लिए आए थे वो लोग? कुछ दुकान का मसला चल रहा था लेकिन घर पे आने के लिए उनके पास कोई सर्च वारंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी वो हम लोगों को परेशान कर रहे थे। हम लोगों के साथ साथ पड़ोसियों को भी परेशान कर रहा था। पड़ोसी कौन कौन घर के थे? मेरे घर में वो जबरदस्ती घुसे थे और जबरदस्ती हम लोग से बोले अगर नहीं दोगे तो तुम लोग को मारेंगे। ताला तोड़ने के लिए क्या मांग रहे थे? बोले हथौड़ी दे दो, लेकिन वो आके हम लोग के घर में लोड़ा लेके चले गए थे जबरदस्ती और बोले थे अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग को मारेंगे। आज इंदलपुर में किस तरीके से घटना हुई है? देखिए, पहले तो मैं एडवोकेट सोहेल अहमद, मेरे बहन के घर पे जबरियन पुलिस आ गई। महिला पुलिस कोई नहीं थी, सारे जेंट्स पुलिस थे। चौकी इंचार्ज एग्रीकल्चर विवेक सिंह, उनके साथ एक शुक्ला जी थे दरोगा जी और 4-5-6 सिपाही, सब दारू के नशे में थे। जबरियन बिना किसी वारंट के, बिना किसी संबंध के आके गुंडाई कर गए। ये प्रकरण टोटल ये था कि हमारा भांजा एक दुकान चला रहा है कपड़े की, अमीजा कलेक्शन के नाम से। वो दुकान मेरे नाम बैनामा है, दाखिल खारिज है और उसके अलावा नगर निगम में अलाटमेंट है और कोर्ट का स्टे ऑर्डर है जो मैंने सीओ साहब को डाक द्वारा बाई हैंड भी दिया है। उसके अलावा स्टे ऑर्डर देने के बाद ये जबरियन गुंडाई कर रहे हैं, कह रहे हैं दुकान तुरंत खाली करो और किसी प्रकार का कोई किसी के खिलाफ आपराधिक हिस्ट्री नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। जबरियन गुंडाई पुलिस वाले करके मोहल्ले में आके दहशत बना के आस पड़ोस के लोगों का घर बंद करवा दिए, दुकान खुली थी दुकान बंद करवा दिए, पड़ोसियों को सबको मारे, जबरदस्ती गाली गलौज कर रहे थे। ये हमारे मोहल्ले के लोग हैं, ये सारे लोग को डंडा लेके दौड़ा रहे थे। क्या शिकायत आपने संबंधित इंस्पेक्टर से की है? नहीं, शिकायत अभी किसी से नहीं हुई थी। सिर्फ मेरा विपक्षी अमित आनंद एक एप्लीकेशन दिया था, उस एप्लीकेशन के बेस पे आके गुंडाई करके देखिए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय मिले। मेरा कोर्ट का स्टे, अगर कोर्ट का स्टे नहीं माना जाता तो बोल दें कोर्ट नहीं कुछ है, न्यायालय कुछ नहीं है, सारा पावर पुलिस के हाथ में है, पुलिस अपनी गुंडाई से सारी चीजें करेगी तो हम संतुष्ट हैं। बैठे हुए थे, पुलिस वाले लोग आए हैं और जबरदस्ती घर में घुसे हैं, सबको भगाए, पहले दुकान बंद करवाई है और दारू पिए हुए थे और ये गाड़ी खड़ी कर रहा है तो उसको जबरन गाली देके कह रहे हैं यहाँ से भागो, गाली देके हम गाड़ी हटाओ जा रहे थे, फिर यहाँ पर गेट उनका गाली देके भगा रहे, इधर से जाओ कह रहे घर जा रहे थे, कह रहे चलो इधर से निकलो, अभी कहीं नहीं जाओ, जाओ यहाँ से भागो। गंदी तरीके से बात, तोड़ने फोड़ने की आवाज आ रही थी घर में, घर पर कोई नहीं था, दुकान वाले को भी गाली गुट्टा दी, हम दुकान जा रहे हैं, दुकान वाले को भी गाली गुट्टा देके भगाए। तो क्या चाहते हैं योगी सरकार से आप लोग? न्याय मिले, जबरदस्ती वाला काम जबरियन हो रहा है, जो हो रहा है परेशान कर रही है पुलिस।
क्या यहाँ पे कोई जाति विशेष धर्म पे कोई बातें हैं क्या सामने? पूरा काम लीगल तरीके से पुलिस कर रही है, परेशान किए हैं पुलिस वालों ने। क्या किए हैं पुलिस वालों ने? सारे पेपर कंप्लीट है उसके बावजूद। हाँ, जिसके घर बगल वाले के यहाँ सील बट्टा लिए घूटने खाते उनको भी गाली कुत्ता दे रहे हैं कि आप दीजिए हथौड़ी दीजिए वो। आधे मन पहले बगल वाले को दुकान बंद करवाए, पूरा सन्नाटा करवा दिए ताकि अपने मन से कुछ भी चाहे कुछ भी कर सके। और यहाँ पूरा पेपर वर्क था और उसके बाद इनके पास कोई नोटिस था ना वारंट था कि ये ऐसे कुछ कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लेडीज थी, पूरा टूटा हुआ है, गाली गलौज लेडीज को दे रहे हैं और उल्टा सीधा कह रहे हैं। बता दो, मेरा घर सामने है, मेरा घर सामने है और मिजान हमारा कजिन भी है, सामने रहता है, यही सब है। और उसके बाद पुलिस वगैरह से गुंडे एकदम कर रहे हैं बिल्कुल इलीगल तरीके से।